हाय गाइस, हम आ गए एक नए वीडियो के साथ में, जहां हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे घटिया लोगों के बारे में, उनकी कुछ घटिया सोच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो करण, तू ही कुछ मुझे बता यार कि नेपोटिज्म है क्या और ये करते कैसे हैं? भाई कैसा करते हैं वो तो पता नहीं मुझे, बट थोड़ा बहुत वीडियोस देखे हैं मैंने, जैसे कॉफी विद करण, उसमें एक छोटा सा क्लिप है सोनम कपूर का, जहां करण जो है सोनम कपूर को पूछते हैं लिस्ट ऑफ हैंडसम गाइस दैट यू वुड लाइक टू डेट फॉर वन डे। अब इस हैंडसम गाइस की लिस्ट में विराट कोहली जो कि एक क्रिकेटर है और इरफान खान जो कि एक अच्छे एक्टर है और रणवीर सिंह जो कि उनका भाई है। बोल, अब जब बात आती है सुशांत सिंह राजपूत की, तब इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। सुशांत सिंह राजपूत, हां हॉट आई गेस, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन एनी ऑफ देम। मुझे तो लगता है इस सर्कल को एक्टर और हैंडसम के बीच का फर्क ही नहीं पता। और सोनम कपूर, करण तुझे मैं एक फोटो बताता हूँ, तू पहचान के बता ये बंदा है कौन। और ये बंदा कपिल शर्मा के शो में ऑडियंस बन के जाता है, देख। ओके सर, मेरा नाम हर्ष है, मैं पुणे से आया हूँ। अरे ये तो हर्षवर्धन कपूर है। सही पकड़े हो भाई, सोनम कपूर का भाई, कजन भाई। सही है ये, और ऑडियंस में अब ये ऑलरेडी स्टार की है यार, अब इन लोग अभी पब्लिक से भी नेपोटिज्म करने लग गए। करण ये रहा इसका इंस्टाग्राम पेज, देख। अरे हाँ यार, तू करण अब मैं तुझे एक ऐसे स्टार के बारे में बताता हूँ जिसके कुछ दिन पहले 40 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थे और अब ये है। और करण सबसे बड़ी बात ये है, इनके प्रीवियस पोस्ट देख लू जिसपे कमेंट आ रहे हैं सिर्फ 7 से 10 हजार के बीच, और जब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद इन्होंने एक पोस्ट किया उसपे कमेंट आया 1.5 से 2 लाख और अब भी काउंट बढ़ते ही जा रहा है, और सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स। बॉलीवुड तो पूरा नेपोटिज्म से भर गया यार, जैसे पबजी में एनिमीज, इन लोगों को तो नॉकआउट करने की आदत सी पड़ गई है। पहले विवेक ओबरॉय को किया, देन अरिजीत सिंह को किया, अब ये हमारे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत, इनको तो रिवाइव होने का भी मौका नहीं मिला। तो करण तू ही कुछ बता करण जौहर के बारे में। करण जौहर के बारे में उसका भी सेम ही हाल है, कुछ दिन पहले उसके 33 मिलियन फॉलोअर्स थे और आज ये देखो। और रही बात कमेंट की, जहां सलमान खान को 2 लाख कमेंट आए, वहां करण जौहर को 4 लाख कमेंट है, सीधा डबल। और भाई तुझे भी पता है करण जौहर ने आयुष्मान खुराना का भी करियर खत्म करने की कोशिश की थी, करण जौहर ने अपना कार्ड दिया और कहा आपका करियर सेट है। जैसे ही आयुष्मान ने कॉल किया उसे कहा गया हम सिर्फ स्टार किड के साथ ही काम करते हैं। और जब आयुष्मान खुद के दम पर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे, तब करण जौहर ने उसके तलवे चाटने उसे अपने शो पर बुलाया और उसे मूवी ऑफर की, तब आयुष्मान ने साफ इनकार कर दिया। बराबर यार करण, जब आप एक स्टार नहीं है एक्टर की कदर नहीं कर सकते, तो स्टार बनने के बाद इनके तलवे क्यों चाटते हो यार? सही। और ऐसे ही एक्टर के साथ में होता रहा तो एक्टर करेंगे क्या? और करण जब कंगना रनौत ने भी इससे आवाज उठाने की कोशिश की तो इसे पागल घोषित कर दिया यार, उस पर काला जादू का इल्जाम लगाया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि करण जौहर से डरते नहीं। करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। ये वीडियो में तो वैसे भी डर ही नहीं है, और ये क्यों डरेगी? हिट टू हिट, बैक टू बैक इसने ऐसे मूवीज किए हैं जिन्हें अभी तक अवार्ड नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया बता तू ये? क्योंकि ये स्टार किड्स नहीं है, और जो भी स्टार किड्स है उन्हें सिर्फ अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बकवास एक्टिंग कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उनको सिर्फ अवार्ड मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि उनके पास एक पैसा है, पैसे का पावर है। बस ये एकदम मेन मुद्दा है कि इनके पास पैसा है तो इनको एकदम अवार्ड दिया जाएगा, इनको आगे की सीट मिलेगी, और बाकी लोगों को जो है सिर्फ इनको पीछे ढकेला जाएगा कि भाई इनके पास पैसा नहीं है, इनके लोग स्टार किड नहीं, इन लोग स्ट्रगलर्स है। पर करण अपना मेन मुद्दे पे तो बोलना नहीं गया यार, सुशांत सिंह राजपूत जिसे इंडस्ट्री को तो कितनी तो हिट मूवीज दी है, काय पोचे, MS धोनी, PK, केदारनाथ और अनेक मूवीज इसकी आनी बाकी है। जो आनी बाकी है राइट, वो बन के रेडी है, और मूवी है रॉ, पानी, ड्राइव, आखिर वो भी उसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज करनी पड़ी यार। छोड़ो यार, मैं एंड में इतना ही कहना चाहूंगा, तकलीफ दो किसी को पर इतनी भी तकलीफ मत दो कि वो तकलीफ में खुदकुशी कर बैठे। बहती हवा सा था वो।
मोती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढूं।